तो प्रमोद जी आप कह रहे हैं कि आपके पास एक डेटा है जिसमें इसका प्रोडक्शन मंथ और ईयर है और आपको यहाँ पे जी डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट की एग्जैक्टली क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के जी लिए इस मंथ के अंदर में अगर डेटा हुआ तो ये परसेंटेज होना चाहिए, इस जी मंथ जी के बिटवीन हुआ तो ये परसेंटेज होना चाहिए, राइट। जी जी एग्जैक्टली चलिए तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे डिफरेंस निकालना होगा कि जिस दिन हम डिस्काउंट निकाल रहे हैं उस दिन में कितना महीने का डिफरेंस है। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ उसके लिए हम करेंगे फॉर्मूला डेट इट, डेटेड इफ का। डेटेड इफ में स्टार्ट डेट के लिए हम वापस डेट डालेंगे और डेट में बोलेंगे ईयर हमारा 2019 है और मंथ हमारा 9 है और डे हम बाय डिफॉल्ट 1 दे देते हैं, ठीक है। और एंड डेट हमारा हो गया टुडे, मतलब कि आज की करेंट डेट, और यहाँ पे हमने बोल दिया एम क्योंकि हम इसको डिफरेंस इन द मंथ में निकाल रहे हैं, वाई करेंगे तो ईयर, डी करेंगे तो डे, फिर 75 महीना आपको दिख गया, ठीक। अब मुझे इस 75 महीने की स्लैब में यहाँ देखना है, समझे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 13 से 24 है ना, वो 24 लेना पड़ेगा सर। 13 से नीचे वाले कोई डिस्काउंट नहीं है ना? नहीं 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 तो इसको थोड़ा सा, क्योंकि फिर मैनुअल हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा हम बीच में एक एक करते हैं, काम करते हैं, यहाँ हम देते हैं 0। जीरो टू 12 करना पड़ेगा, जो 0 to 13 नहीं है, 0 जीरो टू ट्वेल्व जीरो को कोई भी डिस्काउंट नहीं एक है। मेल चाहिए, ये हमारा 0% हो जाएगा। मैं कुछ और करना चाहता हूँ, फिर आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13, ये हो जाएगा आपका 24, ये आपका हो जाएगा 24 25, ये हो जाएगा आपका 37, ये आपका हो जाएगा 49। अब मैं यहाँ पे VH लुकअप का फॉर्मूला, H लुकअप, अब मान लीजिए H लुकअप में मैंने 10 दे दिया और हमने टेबल को सिलेक्ट कर लिया ऐसे, एंड कॉमा रो इंडेक्स नंबर मान लीजिए मुझे ये देना है 2, 2, और यहाँ पे 2 कर देता हूँ 1, 0 आया। मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब मैं यहाँ पे देता हूँ 12 तो भी 0, 13 करता हूँ तो यहाँ पे 10% आ गया, मैं 24 करता हूँ तो भी 10% है, जैसे मैं 25 करूँगा 2% आ गया, 37 38 करता हूँ तो हमारा 30% है, और 55 करता हूँ तो 50 40% है। तो समझ गया, एक निकल गया मुझे, इसका कॉलम नंबर निकल गया। जो एच कॉलम से उसको लिख करना है, इस कॉलम से इसका, या फिर मैच भी हम लगा सकते हैं इसमें, मैच मैं वही इसको सेलेक्ट किया, इसको डेटा को सेलेक्ट किया और यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन एग्जैक्ट मैच, छे 1 2 3 4 5 6 सही तो है, 6 आ रहा है, 10 करता हूँ तो 2, 24 25 करता हूँ तो 4, सही है, मैच ही लगा दे सही रहेगा। फिर मैं यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मा लगाता हूँ, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, इसमें मटेरियल कोड यही है ना आपका? हाँ, मटेरियल ग्रुप से ही लेना पड़ेगा सर। हाँ, और इसमें हमने यहाँ पे डेटा में गए और अपना टेबल को सिलेक्ट कर लिया,
नहीं, इसमें वो लेगा नहीं, वो पर्टिकुलर के हिसाब से लेना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पे मैच दिया और मैच में इसको बोला ढूंढना है इसके अंदर, इसके अंदर, और यहाँ पे कॉमा वन कॉमा जीरो, ये नहीं है क्या इसमें? इसमें सर वो रिप्लेस करना पड़ेगा, ये जो मटेरियल ग्रुप है ना, ये ज्यादा इसको हमने पर्टिकुलर के साथ कन्वर्ट किया है, जो इसने साथ दिया हुआ है। इसके साथ अब यहां पे कह रहा है कि पीआरसी हाँ पीआरसी होगा, एग्जैक्टली, जो स्टॉक क्वेश्चन फिर आया था वो मटेरियल ग्रुप के साथ में आता है। यहाँ पे एक मिनट, तो फिर यहाँ पे एक और भी, एक और यहाँ पे वी लुकअप लगाना पड़ेगा, फिर वी लुकअप इसको सेलेक्ट करो और इसमें अपने डेटा में जाओ, और यहाँ पे 2.0 आ गया, 50%, 50% आ गया। डबल भी लुक आ गया। डी लुकअप मैच सब लग गया इसमें, ठीक है। डेटेड इफ सर बात थोड़ा सा, क्या हाँ डेटेड इफ तो एक इसमें ही आएगा सर, 19 में दिखेगा, 16 में ना नहीं, बिलो सब तो में नहीं दिखता है, सब आएगा। में, सब में, सब में। डेटेड इफ दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालता है कि आप कितने महीना, कितने साल, कितने ईयर में चाहते हैं, कितने देर में लगते हैं, ठीक है। सर ये फाइल सेव करके मुझे प्लीज भेज दीजिए ना, ठीक है, डेटेड उसको इफ जरा। इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं थी, डेटेड इफ कॉमन था, मेन आपका ये था, ये जो दिख रहा है ना आपको, हाँ ये था बी लुक का मेन। पहला लगा के करेक्ट है ये। बी लुकअप भी मेन नहीं है, मेन ये है सर, मैच वाला कंसेप्ट, नहीं तो नहीं होता सर। और आपका डेटा सीक्वेंस में है, अगर बीच में मिसिंग होगा, होता तो फिर ये कंसेप्ट नहीं लगता, ठीक है। मैं भेज देता हूँ, ये फाइल सेव करके मुझे भेजे ना सर हाँ प्लीज। सेव कर दिया मैंने, भेज सर देता मुझे डेट एंड टाइम के वीडियो भी भेज देना प्लीज। हूँ। और यूट्यूब पे तो डाल दिया, आपने यूट्यूब से नहीं देखा है क्या? यूट्यूब ने व्हाट्सएप पे भेज देना प्लीज एक बार, अगर आपके पास है तो। क्योंकि सर मेरे पास तो है, लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे पता क्या पास सर, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग नहीं होती ना, दिक्कत ही है सर। सिस्टम में ज्वाइन क्यों नहीं करते आप? सिस्टम ऑफिस में रहता कहाँ, अब उसे ला के सर। ठीक।